हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है और आज से इकोनॉमिक्स की न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है ऑन वाइश आईएएस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियो पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन WhatsApp 7200681675 टेस्ट सीरीज डिटेल्स और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर्स को हम लोग टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट वन मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चार फैक्टर्स की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन सारे फैक्टर्स को हम लोग वन लाइन में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है लैंड का। लैंड एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट अगर हम लोग को सेटअप करना है तो लैंड एक बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट हम लोग का है लेबर और वर्कफोर्स का। ये वो लोग हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं ताकि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। तीसरा रिक्वायरमेंट है हम लोग का कैपिटल का। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेजेस पे कुछ ना कुछ इनपुट उस पर एड होगा। तो वो जो भी इनपुट रिक्वायर्ड यहाँ पे होता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। चौथा रिक्वायरमेंट हम लोग का ह्यूमन कैपिटल का होता है। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल है जिसके नॉलेज और एफर्ट से हम लोग जो भी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर लिखे गए हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, उनको अरेंज करते हैं और हम लोग एफिशियंट रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग जानते हैं कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो मॉनेटरी अर्थव्यवस्था है, मतलब कि पैसों पर चलती है। पैसा जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चेंज होते रहता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। इस इंटायर प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग एक साइक्लिकल मूवमेंट मूव करेंगे। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज को फर्म, बिजनेस फर्म, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के पास भेजता है और उसके बदले में पेमेंट रिसीव करता है, जो कि आपके मनी के टर्म्स में होता है। जो भी मनी फ्लो हो रहा है बिजनेस फर्म से हाउसहोल्ड को, वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट है, मतलब कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हाउसहोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उनका पेमेंट है वो। फिर क्या होता है कि वही हाउसहोल्ड जो कि पेमेंट रिसीव किए हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमारे बिजनेस फर्म, फैक्ट्री या इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाउसहोल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, फर्म्स जो है वो पेमेंट दे रहे हैं हाउसहोल्ड को और वही हाउसहोल्ड उस पेमेंट को खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि हमारे बिजनेस फर्म और इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। ये एक थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट था। अब इसी चीज को हम लोग स्टेजेस में समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि हाउसहोल्ड सेक्टर जो था वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि बिजनेस फर्म उनको पे बैक करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे कि वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हाउसहोल्ड जो होता है वो उसी मनी को स्पेंड कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज में जो फर्म ने प्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं।
अब गवर्नमेंट सेक्टर कैसे सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व है? हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, तो परचेज करने के लिए उन लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए। तो वो जो फाइनेंस है, जो पैसा जो जनरेट वो करते हैं, वो टू वेज में जनरेट करते हैं। सबसे पहला टैक्स के थ्रू और दूसरा बोरोइंग के थ्रू। तो वो जो है वो बोरो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे बस केवल बेसिक डिफिनेशन समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया या प्रीसियस मेटल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो टैक्स और बोरोइंग के थ्रू इंटरवीन करता है आपका सर्कुलर फ्लो में। फिर गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के फॉर्म में उसको पे बैक कर देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का। इसको हम लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लो चार्ट को देखें। एक्सपेंडिचर डिक्लाइन, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा था वो अब डिक्लाइन हो चुका है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर डिक्लाइन हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथों में अब पैसा कम होगा या नहीं होगा। तो अगर लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि डिमांड जो प्रोडक्ट का होगा मार्केट में वो कम हो जाएगा। अगर मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो मनी भी कम रिसीव करेगा। अगर वो मनी कम रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको देने के लिए पैसा उनके पास कम होगा। तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एक सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट घटेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी घटेगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो राइट हैंड साइड में है वो देखें। सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड, इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड कुछ सेविंग्स किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथों में कुछ पैसे हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि लोग फाइनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट आपको हमने कुछ देर पहले समझाया था वो मार्केट प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक। तो अगर हाउसहोल्ड अपने सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा। तो मार्केट में अगर पैसा इंजेक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस फर्म्स को चीप इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिल जाएगा। बिजनेस फर्म बोरो करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो जिससे हमारा इकोनॉमी जो होगा वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम लोग चार कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि चार मेथड्स को यूज करते हैं। सबसे पहला है GDP, दूसरा है GNP, तीसरा है NDP और चौथा है NNP। इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी को जानने से पहले हम लोग को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जैसे कि मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और अन्य दूसरे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड फॉर मनी, मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम लोग मनी से खरीद सके या मनी से एक्सचेंज कर सके उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जब भी हम लोग वैल्यू को काउंट करते हैं तो हम लोग उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करते हैं, मतलब कि जब भी आउटपुट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का कोई काम नहीं है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग पेन बना रहे हैं तो अगर कलम जैसे कि बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हुआ है हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट का जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि पेन। आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन टाइम पीरियड। जो अभी आपको हमने समझाया आउटपुट होता क्या है, कि मतलब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसका जो मॉनिटरी वैल्यू होगा एक गिवन टाइम पीरियड में उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। लेकिन अगर इसी आउटपुट को हम लोग एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर इसको हम बाउंड कर देते हैं, मतलब कि जो भी आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक आउटपुट कंट्री का बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लोग पेन बना रहे हैं
अगर उस पेन को हम लोग इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं, चाहे उसके प्रोड्यूसर जो भी हो, मतलब कि फॉरेनर्स भी हो सकते हैं और इंडियंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री का वो डोमेस्टिक आउटपुट है, मतलब कि वो जो पेन है वो डोमेस्टिक आउटपुट है हमारे कंट्री का। अगर हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे कंट्री का भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट का। मॉनेटरी वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग उसको दो नजरिए से देखते हैं। सबसे पहला है आपका फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है आपका मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। मार्केट प्राइस क्या होता है कि अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग टैक्सेस को ऐड कर दें तो वो आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली जो भी उस कॉमोडिटी का प्राइस होगा जब वो मार्केट में बेचा जाएगा उस चीज को हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। मतलब कि सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे उसका सिर्फ हम लोग फैक्टर कॉस्ट को ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा है उनका जो इनकम है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उस प्रोडक्शन यूनिट से मार्केट तक आने में जो भी खर्च लगेंगे, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे फैक्टर कॉस्ट के साथ और उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। अगर आसान भाषा में बोले एक फॉर्मूला के रूप में तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐड कर दें और सब्सिडी को हम लोग घटा दें तो हम लोग उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नफिया, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या होता है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जो भी भारत के बाहर रहते हैं और वहां पे जो भी इनकम वो कमाते हैं माइनस जो भी फॉरेनर्स हमारे देश में रहते हैं और जो भी इनकम वो कमाते हैं उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। अगर हम लोग को डोमेस्टिक आउटपुट या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया रखना होगा। मतलब कि हम लोग को जो भी इंडियंस हमारे देश के बाहर रहते हैं और जो भी वो पैसा कमाते हैं और जो भी फॉरेनर्स हमारे देश में रहते हैं और जो पैसा कमाते हैं उनको माइनस करना होगा, मतलब कि डिडक्ट करना होगा, ताकि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक बना सके और डोमेस्टिक आउटपुट को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके। तो अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट दे देता है। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि जो भी इनकम हमारे इंडियंस हमारे देश के बाहर रहकर कमाते हैं उसमें से अगर हम लोग फॉरेनर्स जो कि हमारे देश में रहते हैं उनके इनकम को अगर हम लोग घटा देते हैं तो उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फैक्टर आपका ज्यादा है। मतलब कि इंडियंस जो हमारे देश के बाहर रह के दूसरे देशों में जाकर कमा रहे हैं वो ज्यादा है या फॉरेनर्स जो हमारे देश में रहकर कमा रहे हैं वो ज्यादा है, वो डिपेंड करता है इन दोनों वैल्यूज पे, जिसके वजह से हम लोग बता सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपका होता है टोटल मार्केट वैल्यू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के हमारे इकोनॉमी में है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हम लोग 3 मेजर्स को यूज करते हैं, या हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स को यूज करते हैं। सबसे पहला है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है उसके वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी इनकम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्योर कर रहे हैं, मतलब कि रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट या वेजेस के फॉर्म में, उसको ऐड कर दिया जाए। तीसरा है कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट पे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब कि खर्च कर रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको हम लोग ऐड कर दें।
तो ये आपका तीन मेजर है जिसके हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेशनल इनकम को दो प्राइसेस पे पढ़ेंगे, मतलब कि करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। सबसे पहला है आपका करेंट प्राइस। तो करेंट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस साल में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया गया है उस साल में जो भी प्राइसेस है हम लोग उसी को कंसीडर करते हैं करेंट प्राइस। मतलब कि सपोज कीजिए कि 2019-20 वाले साल में हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया है तो जो भी प्राइस उस ईयर में रहेगा उस गुड्स एंड सर्विस का हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। जब भी हम लोग नेशनल इनकम आपका करेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और दूसरा कि उस साल कितना प्राइस था उस गुड्स एंड सर्विस का। नेशनल इनकम जो करेंट प्राइस पे होता है उसको हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब हम लोग नेशनल इनकम आपका कांस्टेंट प्राइस पे पढ़ेंगे। कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या होता है कि वो प्राइस जो कि बेस ईयर में था, मतलब कि अगर गुड्स एंड सर्विस को हम लोग 2018 या 19 के साल में प्रोड्यूस किए हैं तो उसका जो वैल्यू होगा, मतलब उसका जो प्राइस होगा वो बेस ईयर के हिसाब से होगा। मतलब कि सपोज कीजिए कि उसका बेस ईयर 2011-12 है तो 2011-12 में जो भी उसका प्राइस था वही गुड्स एंड सर्विस का प्राइस आपका 2018-19 में होगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक फैक्टर को कंसिडर करते हैं जो कि नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, वो है आपका फिजिकल आउटपुट। यहाँ पे हम लोग प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फिक्स है। नेशनल इनकम जो कॉन्स्टेंट प्राइस पे होता है उसको हम लोग रियल नेशनल इनकम कहते हैं। ये नोट है जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्रिलिम्स में कभी कभी ये सब पॉइंट्स में आ जाते हैं जो कि एलिमिनेशन करने में हेल्प होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया जो है वो अपना नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, डेवलप्ड कंट्री अपना नेशनल इनकम करेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करता है। अगर नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट प्राइस पे अगर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है कुछ सालों के लिए तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन अगर नेशनल इनकम आपका करेंट प्राइस पे सेम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ये इंडिकेटर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। नॉमिनल इनकम जो होता है वो वैसा इनकम होता है जो लोगों को हाथ में मिलता है, मतलब कि हर रोज या बोल सकते हैं मंथली सैलरी जो है। रियल इनकम क्या होता है कि अगर नॉमिनल इनकम में से अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि महंगाई की दर जो की दर को घटा देते हैं तो वो रियल इनकम देता है। एक यहाँ पे टर्म है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं लेकिन सारे डायरेक्ट टैक्सेस को पे करने के बाद। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेशनल इनकम हम लोग पहले भी पढ़े हैं कुछ पिछले स्लाइड्स में। ये होता है आपका sum of all incomes earned by citizen in the form of rent, wages, interest and profit। मतलब कि factors of production का जो भी income है अगर सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा national income आता है। तो यहाँ पे national income at factor cost और national income at market price के बीच में हम लोग को difference जानना है। तो ये जो difference होता है वो tax के रूप में आता है, मतलब कि indirect tax और subsidies। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के साथ अगर ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज के साथ अगर घटा देते हैं तो वो हमारा मार्केट प्राइस आता है। तो अगर हम लोग नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे और नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे अगर घटाते हैं तो वो हमारा टैक्स दे देता है और ये टैक्स का वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। जब भी आपका टैक्स रिजल्ट होगा तो मार्केट प्राइस जो होगा वो बड़ा होगा आपका फैक्टर कॉस्ट से, और जब भी आपका सब्सिडी रिजल्ट होगा तो मार्केट प्राइस जो होगा वो छोटा होगा आपका फैक्टर कॉस्ट से। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। मतलब कि जो बेसिक फॉर्मेट है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, तो ये बेसिक फॉर्मेट को लेकर हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट,
नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसमें अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज को घटा देते हैं, तो वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीएनपी वर्सेस जीडीपी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानना एक टेबुलर फॉर्म में या एक डिफरेंस के फॉर्म में बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जीएनपी जो होता है वो आपका टोटल मार्केट वैल्यू है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ईयर में। लेकिन यहाँ पे टेरिटरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टेरिटरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसिडेंट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, और वो रेसिडेंट आपका इंडिया में भी काम कर सकता है और अब्रॉड में भी काम कर सकता है, मतलब कि इंडिया में रहकर भी काम कर सकता है और इंडिया के बाहर वाले देशों में जाकर अगर वो रहता है तो वहां पर भी जाके अगर जो भी गुड्स एंड सर्विस वो प्रोड्यूस किया है वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाएगा, इसको हम लोग मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट या मेजर करते हैं। उस तरह जीडीपी क्या है, जीडीपी भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगा आपका इंडिया में, आइदर उसको इंडियंस ने प्रोड्यूस किया है या फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग जीडीपी में कंसीडर करते हैं। लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जीडीपी को टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं और जीएनपी को हम लोग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर हम लोग को जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है तो जीएनपी जो भी मार्केट प्राइस पे आया है उसमें से हम लोग को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होगा। या हम लोग इसको इस रूप से भी देख सकते हैं कि अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में है जो है, अगर उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग को जीएनपी मिल जाएगा मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एसेट या हम लोग कोई भी मशीन को खरीदते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो टाइम के साथ रिड्यूस होता है। तो जो भी वैल्यू रिड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहां से हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग ग्रॉस वाले टर्म्स में से डिप्रिसिएशन को निकालते हैं तो हम लोग को नेट वाला टर्म मिलता है। तो अगर हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, और जब भी हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को निकालते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग को मानना है कि कौन सा ग्रोथ मेजर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है तो वो आप याद रखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल और डेप्रिसिएशन दोनों कंसीडर किया गया है। इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं किसी भी इकोनॉमी का। अब फॉर्मूला से जीएनपी, जीडीपी और एनडीपी को समझते हैं। जीएनपी को समझने के लिए हम लोग को पांच टर्म्स को याद रखना होगा। सबसे पहला है कंजप्शन, मतलब कि कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। दूसरा है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेटली। तीसरा है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की मतलब कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है। चौथा है आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कितना हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया और कितना हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है अपने कंट्री में। और लास्ट टर्म होता है नफिया, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है। अगर इन पांचों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा देते हैं तो हम लोग को जीडीपी मिल जाएगा। और हम अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि ग्रॉस टर्म में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को हटाते हैं तो हम लोग को नेट टर्म मिलता है। तो अगर हम लोग ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो आपका जो जीडीपी है वो एनडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। जब भी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हाइयर होगा तो याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम भी हाइयर होगा। जब भी आपका डेप्रिसिएशन हाइयर होगा तो समझ जाइएगा पर कैपिटा इनकम आपका लोअर होगा। और एक बार फिर से समझा देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने निकाल दिया है। नोट, ये जो पॉइंट्स हैं आपको प्रिलिम्स में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में ताकि आप उसको एलिमिनेट कर पाए, तो इसके हेल्प से वो कुछ कुछ पॉइंट्स एलिमिनेट हो सकते हैं। सबसे पहला, जीडीपी आपका क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसके क्वांटिटी पे फोकस करता है ना कि उसके क्वालिटी पे। एनडीपी जो होता है वो हमेशा जीडीपी से लोअर रहता है एक सेम ईयर के लिए। एनडीपी सिर्फ केवल डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, और यहाँ पे ओनली टर्म है, मतलब केवल डोमेस्टिक यूज के लिए ही होगा, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इंडिया का जो जीएनपी है वो हमेशा उसके जीडीपी से कम होता है। ये चार पॉइंट था। अब हम लोग थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जीएनपी को समझेंगे। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि एक बेसिक फॉर्मेट था कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो आपका मार्केट प्राइस आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐड करेंगे तो जीएनपी आपका मार्केट प्राइस में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर फॉर्मूला एक है जीएनपी का ही, अगर एनएनपी पे हम लोग डिप्रिसिएशन को अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग को जीएनपी मिलता है। हम लोगों ने जस्ट उसका अपोजिट पढ़ा था, मतलब कि अगर जीएनपी में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हम लोग को एनएनपी मिलेगा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर एनएनपी में हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो क्या हम लोग को जीएनपी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लोग को एनएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है और उसको अगर हम लोग डिप्रिसिएशन के साथ ऐड कर दें तो हम लोग को जीएनपी मार्केट प्राइस पे मिलेगा। नेक्स्ट है एनएनपी का कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार हम रिकॉल आपको कराते हैं कि एक बेसिक फॉर्मेट है कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तो वो आपका मार्केट प्राइस देता है। तो अगर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे है और उसको हम लोग ऐड कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ तो इसका मतलब एनएनपी हमको मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। लास्ट है, सेम है कि अगर एनडीपी को हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ ऐड करते हैं तो हमको एनएनपी मिलता है। तो अगर एनडीपी आपका मार्केट प्राइस पे है और उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, सब्सक्राइब कीजिए विश आईएएस चैनल को। थैंक यू।